रियलमी वाले भाई कमाल के हैं, ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन वाला फोन लॉन्च कर दिया इन्होंने। ये वाला ये हाल है रियलमी वालों के। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Realme 12X 5G स्मार्टफोन को Realme 12 5G स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन्स की भाई डिसेंट वाली है, बट डिसेंट कंटेंट वॉचिंग आप दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों फोन में हमें किसी में भी एमोलेड पैनल नहीं मिल रहा भाई। रियलमी वाले कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आते हैं, जो कि Realme UI 5.0 पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों दोनों फोन्स यहाँ पर भाई लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में मिल रहे हैं हमें, अच्छी बात है। लेकिन यार ये जो Realme UI 5.0 है ना भाई, दुनिया जहान के ब्लोटर्स आपको जरूर से देखने को मिल जाएंगे, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें चिपसेट की तो दोनों फोन्स के अंदर हमें Dimensity 6100 प्लस 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और दोस्तों जो चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में एकदम बढ़िया है भाई। बढ़िया वाली गेमिंग आप दोनों फोन्स के साथ में भी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और एंटूटू स्कोर यहां पर दोनों स्मार्टफोन्स का आता है 4,30,000 के करीब। यार एक हैरान करने वाली बात है, दोनों फोन्स की स्पेसिफिकेशंस अब तक तो भाई ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आगे भी दोस्तों ऑलमोस्ट सेम ही है भाई, सिर्फ 19-20 का ही अंतर है। रियलमी वाले झोल ऐसे करते ही रहते हैं, खत्म। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे रियलमी 12X की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ रियलमी 12 5G का मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों रियलमी 12X का जो मेन कैमरा ना भाई 50 मेगापिक्सल का भाई फोटोज आपकी क्लिक कर देगा, ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। लेकिन यार दोस्तों डिटेलिंग अगर आपको ज्यादा चाहिए ना भाई, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Realme 12 5G की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना 108 मेगापिक्सल का भाई बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया, जो कि अच्छे डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। कैमरा सैंपल्स आप Realme 12 5G के स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं कि इसने डिटेलिंग स्क्वायर बढ़िया तरीके से कैप्चर किया। और दोस्तों वीडियो स्टेबिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो दोनों फोन के साथ सिर्फ कॉस्ट कटिंग करी गई है, क्योंकि दोनों फोन सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं भाई। OIS का सपोर्ट हमें Realme वाले दे सकते थे दोनों फोन्स में, लेकिन नहीं दिया भाई, कॉस्ट कटिंग का चक्कर है राजा भैया, कॉस्ट कटिंग का। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के फ्रंट में हमें सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। जी हाँ दोस्तों दोनों फोन्स के फ्रंट में हमें एवरेज वाला सेल्फी कैमरा दिया गया भाई, ध्यान रखिएगा भाई। कैमरा सैंपल्स आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा के देख ही पा रहे हैं कि इसने ना यार डिटेलिंग्स को एवरेज तरीके से क्लिक किया है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से सिर्फ 1080 पिक्सल तक एट 30 FPS पर ही कर सकते हैं। हाँ दोस्तों बस। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं भाई। एक दिन का बैटरी बैकअप आपको दोनों फोन्स के साथ में काफी इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोनों फोन्स यहां पर 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन्स ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक और स्टीरियो स्पीकर हमें दोनों फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि Realme 12X स्मार्टफोन के 6+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 14,000 पे। वहीं दूसरी तरफ Realme 12 5G स्मार्टफोन के 6+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 17,000 पे। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग आपको यहां पर भाई अपने पैसे बचाते हुए ना, पैसों की सेविंग करते हुए Realme 12X की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए, क्योंकि यार ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन, तो भाई बढ़िया डील तो Realme 12X स्मार्टफोन ही है। इसे पता नहीं क्या ही सोच के लॉन्च कर दिया, और पैसे देख लो भाई साहब कितने ज्यादा ले रहे हैं इस मॉडल के। ये हाल है Realme वालों के। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए।